पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद ने कहा कि खिलाड़ियों का भविष्य जब तक सुनिश्चित नहीं होगा, देश में अच्छे खिलाड़ियों का टोटा इसी तरह रहेगा। नई पीढ़ी के करियर को लेकर अनिश्चितता में रहती है। उन्होंने कहा कि पहले हॉकी ही नहीं, अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी सरकारी विभागों में ग्रुप सी बड्डी में नौकरी आसानी से मिल जाती थी। अब अच्छा खेलने के बाद भी आप कहीं नौकरी में सेटल हो जाएं, ये तय नहीं है। पेरेंट्स भी इस कारण डबल माइंडेड रहते हैं कि बच्चे को खेल में प्रोत्साहित करें या नहीं। उन्होंने कहा कि देश में खेल का माहौल सही मायनों में तब बनेगा जब स्कूलों में खेल को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। अन्य मुल्कों में खिलाड़ियों को स्टार की तरह सम्मान मिलता है। भारत सरकार ने हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग व बढ़ावा देने के लिए नेशनल एकेडमी खोली है, लेकिन समस्या यह है कि हॉकी में अब टर्फ सिस्टम खत्म हो गया, मैदान खत्म होते जा रहे हैं, सब चीजें एक जगह केंद्रित हो गई हैं। हमें उस उम्र के बच्चे चाहिए जो स्कूल में दाखिल हों, उनके आसपास व स्कूल में हॉकी की सुविधाएं हों, जमीनी तौर पर भी लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को ज्यादा मेडल मिलेंगे। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। बिहार में हॉकी के विकास के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराने की जरूरत है। हॉकी एकेडमी खुलनी चाहिए। सबसे अहम है स्पोर्ट्स माइंडेड लोग हॉकी के विकास को लेकर आगे आएं। खिलाड़ी को भी हॉकी के प्रति समर्पित होना होगा। बिहार के कई लोग हॉकी इंडिया के बड़े पदों पर हैं, उन्हें भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले बिहार और झारखंड के कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, उनमें काफी टैलेंट और उत्साह दिखा। बाद में उन लोगों ने जूनियर इंडिया भी खेला। दद्दा को अब तक भारत रत्न नहीं मिलना दुखद। अशोक ध्यानचंद ने कहा कि मेजर ध्यानचंद को अब तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाना दुखद है। देश का हर आदमी उन्हें इस सम्मान का हकदार मानता है। समय समय पर खेल संघों और मीडिया ने भी इसको लेकर मुहिम चलाई, पर न जाने क्यों अब तक दद्दा इस सम्मान से वंचित हैं।